दोस्तों, आज हम आपको जिस देश की सफर पर लेकर जा रहे हैं, उस देश के साथ हमारा रिश्ता बहुत पुराना है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस देश को आजादी हमारे देश की मदद से ही मिली है। और एक ऐसा देश जिसे दुनिया का सबसे गंदा देश भी माना जाता है। और इस देश को हम कंट्री ऑफ रिवर के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पर 700 से भी ज्यादा नदियां बहती है। जैसे हमारे देश में मछली को पसंद करते हैं, वैसे ही इस देश में भी कोई मछली खाए बगैर रह ही नहीं सकता। देश के राजधानी शहर को कहा जाता है सिटी ऑफ मस्क। आपको बता दें कि इस देश में 2000 से भी ज्यादा अखबार और मैगजीन प्रिंट किए जाते हैं। और इस देश के स्ट्रीट फूड सबसे लाजवाब है। तो दोस्तों, आज हम सबसे जुनून वाले देश बांग्लादेश के बारे में कुछ रोचक जानकारी देने जा रहे हैं। तो फिर देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए और निकलते हैं बांग्लादेश के एक शानदार सफर पर। दोस्तों, बांग्लादेश का असली नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है। 16 करोड़ की आबादी वाला यह देश विश्व में जनसंख्या के लिए 8वां सबसे बड़ा देश है। बांग्लादेश का कुल क्षेत्रफल 147,570 स्क्वायर किलोमीटर है और यहाँ की डेंसिटी 1265 किलोमीटर है। ये बात तो आप सभी जानते ही है कि सन 1947 में हमारे देश की आजादी से पहले बांग्लादेश भी भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन उनकी जनसंख्या अधिक होने के कारण इसे पाकिस्तान में शामिल कर दिया गया और इस देश को ईस्ट पाकिस्तान नाम दे दिया। इसके बाद 1971 में भारत की मदद से बांग्लादेश को आजादी मिल पाई और ये एक स्वतंत्र देश बन गया। बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद कराने के लिए इस देश के लोगों को काफी संघर्ष भी करना पड़ा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस देश का नाम बांग्लादेश ही क्यों रखा गया। आपको बता दें कि बांग्लादेश दो शब्दों से मिलकर बना है, बांग्ला और देश, जिसका मतलब होता है ये बांग्ला भाषा बोलने वाले का देश। इस देश के लगभग 98% आबादी बांग्ला भाषा में ही बात करती है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश के लोगों का रहन सहन, खान पान काफी हद तक भारत के पश्चिम बंगाल से मेल खाता है। दोस्तों, बांग्लादेश उन चुनिंदा देशों में से एक है जहाँ आधी से ज्यादा आबादी रूरल एरिया में रहती है। बांग्लादेश की कुल 39% आबादी शहरी इलाके में रहती है, वही अन्य 61% आबादी गाँव के इलाके में रहती है। बांग्लादेश में कुल 66% लैंड पर कृषि और खेती बाड़ी की जाती है और इसलिए यहाँ आधी से ज्यादा आबादी कृषि के जरिए ही अपना जीवन व्यापन करती है। यानी कि कुछ बड़े शहरों को छोड़ दिया जाए तो लगभग पूरा बांग्लादेश में हर जगह कृषि की जाती है। चावल उत्पादन के मामले में बांग्लादेश विश्व में 4th नंबर पर आता है। यहाँ पर हमारे देश के बिहार और बंगाल प्रांत में रहने वाले लोगों की तरह ही रोजाना चावल खाया जाता है। चावल और फिश करी इस देश की सबसे पसंदीदा डिशेस में से एक है। इसके अलावा इस देश में चाय का उत्पादन भी बड़े पैमाने पर किया जाता है। विश्व के कुल 3% चाय बांग्लादेश में प्रोड्यूस की जाती है और इस कारोबार से यहाँ 50 लाख से भी ज्यादा अधिक लोग जुड़े हुए हैं। दोस्तों, बांग्लादेश को कंट्री ऑफ रिवर्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस देश में छोटी बड़ी मिलाकर कुल 700 से भी ज्यादा नदियां बहती है। एशिया की 3 सबसे बड़ी नदियां गंगा, मेघना और ब्रह्मपुत्र तीनों ही इस छोटे से देश से होकर गुजरती है। नदियां देश के लोगों के लिए एक वरदान है, तो इसके कुछ साइड इफेक्ट भी है। बांग्लादेश को हर साल बड़े पैमाने पर बाढ़ का सामना करना पड़ता है और इसीलिए बरसात के मौसम में 2 से 3 महीनों तक ये पूरा देश बाढ़ के पानी में डूबा रहता है। बाढ़ के कारण बांग्लादेश को हर साल करोड़ों रुपयों का आर्थिक नुकसान भी होता है। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि इस बाढ़ के कारण बांग्लादेश एजुकेशन सिस्टम प्रभावित नहीं होता। पिछले कुछ वर्षों के दौरान यहाँ बोर्ड स्कूल का सिस्टम सरकार द्वारा स्थापित किया गया है और इस सिस्टम को कामयाबी भी मिल रही है। ऐसे में यहाँ पर बाढ़ आने पर भी बच्चों की पढ़ाई पर कोई खास असर नहीं पड़ता। दोस्तों, बांग्लादेश में लोगों को अखबार पढ़ने का भी बहुत शौक है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में 2000 से भी ज्यादा अखबार और मैगजीन पब्लिश होते हैं। बांग्लादेश और भारत की एक और समानता के बारे में हम आपको बता देते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे देश में पहले पैसों का टका बोला जाता था और आज भी कुछ हिस्सों में रुपये पैसों को टका ही कहा जाता है। इसी से प्रेरित होकर बांग्लादेश ने अपने करेंसी का नाम टका में रखा हुआ है। बांग्लादेश का राष्ट्रगान हमारा सोमवार बांग्ला और भारत का राष्ट्रगान जन गण मन दोनों को एक ही व्यक्ति ने, बंगाल के महान साहित्यकार और कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। अब हम आपको बांग्लादेश के लोगों के कुछ अजीब बातों से रूबरू कराते हैं। हमारे हाथ से उल्टे हाथ से पूजा करना या अन्य कोई काम करना अशुभ माना जाता है, लेकिन बांग्लादेश में तो
उल्टे हाथ से हैंडशेक करने को अशुभ माना जाता है। इसके अलावा उल्टे हाथ से खाना या अन्य कोई भी काम यहाँ पर लोग उल्टे हाथ से नहीं करते। ऐसे में लेफ्टी लोग इस देश में कैसे काम करते होंगे, ये बात तो सोचने वाली है। बांग्लादेश शायद इस दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ लोग मुस्कुराने को भी अच्छा नहीं समझते। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। बांग्लादेश में अगर किसी को देखकर मुस्कुराना या स्माइल पास करना लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है। मुस्कुराने को यहाँ पर बचपना और ना समझी की निशानी समझा जाता है और इसीलिए वहाँ पर आपको बहुत से लोग एंग्री मैन के लुक में दिखाई देते हैं। दोस्तों बांग्लादेश के विकास में यहाँ मौजूद भ्रष्टाचार एक बड़ा करियर सामने आता है। यहाँ नीचे से लेकर ऊपर तक सभी लोग बेहद ही भ्रष्ट है, पर कहा जाता है कि बिना रिश्वत और घूसखोरी के यहाँ पर आप कोई काम नहीं करा सकते। बांग्लादेश में आज भी लगभग 91% लड़कियों का बाल विवाह करा दिया जाता है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए कुछ बड़े फैसले जरूर किए गए और अच्छे एजुकेशन सिस्टम के कारण इस दर में गिरावट भी देखने को मिल रही है। बांग्लादेश विश्व के उन देशों की सूची में शामिल है जहां पर प्रोस्टिट्यूशन यानी कि जिस्म फरोशी को कानूनी मान्यता प्राप्त है। बांग्लादेश का नाम विश्व के सबसे बड़े रेड लाइट एरियाज में आता है। आपको बता दें कि वैसे तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है, लेकिन यहाँ पर भी भारतीय लोगों की तरह प्रत्येक नागरिक के रग रग में क्रिकेट बसता है। इस देश की लड़कियों की खूबसूरती अलग ही लेवल की होती है। मोटी चमकदार आंखें और सुंदर सुंदर गाल किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए काफी है। भारत बांग्लादेश क्रिकेट के दौरान आप भी आराम से इस खूबसूरती का लुत्फ उठा सकते हैं। बांग्लादेश के लोग अपने फिटनेस को लेकर काफी जागृत रहते हैं और इस देश में आपको मोटे लोग बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। इस छोटे से देश में 70 एयरपोर्ट मौजूद है। हालांकि इस देश के ट्रैफिक के कारण कहा जाता है कि आपको एयरपोर्ट जाने के लिए तय समय से 4 घंटे पहले घर से निकलना पड़ता है। चलिए अब इस देश के प्रमुख टूरिस्ट प्लेसेस और मुख्य शहरों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं देश के सबसे बड़े शहर और राजधानी ढाका की। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि बांग्लादेश साफ सफाई के मामले में बहुत ही पिछड़ा हुआ है और ढाका विश्व के सबसे गंदी राजधानी भी मानी जाती है। ढाका को मस्जिदों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर हर गली मोहल्ले मस्जिद ही बनी हुई है। इस शहर में 1000 से भी ज्यादा मस्जिद है, इसीलिए आप जहाँ भी जाएंगे आपको आसानी से मस्जिद देखने को मिल जाएंगे। हालांकि पिछले कुछ सालों से यहाँ की सरकार ढाका को एक आधुनिक और विकसित शहर बनाने के लिए काफी मेहनत भी कर रही है। बांग्लादेश में ही विश्व का सबसे बड़ा बीच भी मौजूद है जिसका नाम है बाजार बीच। इस बीच की लंबाई लगभग 135 किलोमीटर है। इस बीच के किनारे यहाँ का सबसे बड़ा बाजार भी लगता है और साथ ही इसे बांग्लादेश की लाइफलाइन भी कहा जाता है, क्योंकि इस समुद्र के किनारे इस देश के सबसे बड़े बंदरगाह बने हुए हैं। इसके अलावा चित्तागोंग भी एक बहुत ही खूबसूरत शहर है। यहाँ के पहाड़, झीले और सुहाना मौसम सैलानियों को बड़ी मात्रा में आकर्षित करता है। इसी शहर को गेटवे ऑफ बांग्लादेश भी कहा जाता है। यदि आपको चाय के बड़े बड़े बागान देखने हैं, सिलहेट नाम के शहर का आप रुख कर सकते हैं। बांग्लादेश का सबसे प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेस सुंदरबन के जंगल है, जहां पर आपको बंगाल के टाइगर आसानी से घूमते हुए नजर आ जाएंगे। इसके अलावा यदि आपको सनसेट और सनराइज का खूबसूरत नजारा देखना हो या शानदार सी फूड का लुत्फ उठाना हो, तो आप यहां के कुआकाठा बीच की सैर कर सकते हैं। दोस्तों ये थी हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश की खूबसूरती की कहानी। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसे लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, और ऐसे ही और भी फैक्ट वीडियो को देखने के लिए फॉलो करें हमारे पेज को और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, जिसकी लिंक हमने नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है। धन्यवाद।